शिमला जिला के रामपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी समुदाय में बढ़ता देख नगर परिषद क्षेत्र को 5 दिसंबर कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लागू कर दिया गया है। कुछ दिनों से रामपुर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। रामपुर बुशहर आसपास के जिलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण कोरोना का संक्रमण समुदाय में समूचे क्षेत्र में फैलने की संभावना बढ़ गई थी। इसलिए रामपुर प्रशासन ने 5 दिसंबर सुबह 6 बजे तक रामपुर नगर परिषद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। रामपुर उपमंडल क्षेत्र में पिछले कुछ समय में ही 13 मौतें कोरोना से हुई हैं। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि 5 दिसंबर तक रामपुर नगर परिषद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में कोविड के रामपुर में केस बढ़ने लगे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना का संक्रमण समुदाय में न फैले इसके लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें। कंटेनमेंट जोन में न तो लोग बाहर जा सकते हैं और न ही आ सकते हैं। जो रामपुर कंटेनमेंट जोन है, जो आज की स्थिति है, लोगों ने काफी कोऑपरेट किया है और मेरा लोगों से भी निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अपने गांव इधर उधर जो आप जाते हैं ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जो 4 दिनों का जो कंटेनमेंट जोन है, इसमें आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और जहां तक जो अभी तक कोविड डेथ्स हुई है हमारे हॉस्पिटल में, इसमें काफ़ी बड़ा जो शेयर है वो आनी सब डिविज़न का भी है और एक डेथ इवन जो थुनाग तहसील है वहाँ की भी हुई है। जो हमारे हॉस्पिटल में जो अभी तक हमारे पास 13 रिपोर्टेड डेथ्स है, 3 होम आइसोलेशन में हुई है, बाकी जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर हुई है। तो ये कब तक रहने वाला है ये लॉकडाउन जो है? और ये 5 दिसंबर सुबह 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद हम स्थिति को असेस करेंगे, जो भी उचित पग होंगे, कठोर पग होंगे, हम लेंगे। लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि इसमें प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अगर हम इस वायरस को ख़त्म करना है, अपने लोगों को बचाना है, तो हमें सबको मिलकर प्रयास करने हैं और हमें इस तरह के सख्त कदम उठाने की अति आवश्यक ज़रूरत है।